तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखेंगे यहां पर तीन रजिस्टर जो हैं वो इस तरह से पैरेलल में जोड़े गए हैं। पैरेलल का मतलब है कि इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो पैरेलल में कहा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर मस्ट बी इक्वल व्हाइल करंट थ्रू द रजिस्टर्स मे बी इक्वल और मे बी डिफरेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस बराबर होना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे यहां बैटरी है, तो जो बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल का निगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां का भी आएगा, इसका जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां का भी आएगा। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, है ना। लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट नहीं भी हो सकता है। करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। अगर तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो ई बाई आर वन, ई बाई आर टू, ई बाई आर थ्री, तीनों के अक्रॉस करंट जो है वो डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर बाय चांस तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए तो तीनों से फ्लो करने वाला करंट भी इक्वल होगा, ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, तीनों के अक्रॉस, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप देखेंगे, चूंकि मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस बराबर है, तो मैं ये मान लेता हूं कि जैसे यहां से करंट गया है आई और यहां से तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया, आई वन, यहां से आई टू और यहां से आई थ्री। तो जंक्शन लॉ कहता है कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। किचॉप्स का जो जंक्शन लॉ होता है कि जितना करंट एक तरह से आएगा उतना ही बाहर जा रहा होगा, एक तो ये रिलेशन हो गया। और जैसा कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस बराबर होना चाहिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली में ई के बराबर होना चाहिए। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आई वन इंटू आर वन, आई वन इंटू आर वन, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई टू इंटू आर टू, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई थ्री इंटू आर थ्री। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। तो मैं इसको यूज करके I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, I1 का वैल्यू आएगा E बाई आर वन, इसको इक्वल टू इतना कर दूंगा तो यहां से मुझे I2 निकल जाएगा और ये आ जाएगा E बाई आर टू। उसी तरह से E को इसके बराबर करूंगा तो I3 की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ जाएगा E बाई आर थ्री, है ना। तो अब ये तीनों करंट की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, जो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हो गया E बाई आर वन, आई टू का E बाई आर टू और आई थ्री का E बाई आर थ्री, ये हो गया, ये आ गया पहला इक्वेशन, ठीक। अब जो है जैसा कि मैंने वहां पर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, यहां भी इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है और बिल्कुल यही वाली बैटरी यहां पर लगाया जा सकता है, है ना। तो तीनों के बदले में ये है तो मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह देता हूं। ये बैटरी यही वाली है तो ये में उतना ही रहेगा, है ना। इसका मतलब ये जो सर्किट है बिल्कुल वही सर्किट हो गया, तो करंट जितना इसमें आई फ्लो करता था बैटरी से तो इसमें भी आई फ्लो करना चाहिए, है ना। तो ये कह सकते हैं इन इक्विवेलेंट सर्किट, इन इक्विवेलेंट सर्किट ई इज इक्वल टू आई बाई आर आई इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब ये हुआ कि यहां से आई की वैल्यू आ जाएगा ई बाई आर इक्विवेलेंट, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को वन को और इक्वेशन टू को सोल्व करते हैं बाई वन एंड टू, आई की वैल्यू ई बाई आर इक्विवेलेंट रख दूंगा तो यहां से आएगा वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ऐसे जितने भी होंगे सबको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आई के वैल्यू ई बाई आर इक्विवेलेंट रखेंगे तो ई जो है वो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर रह जाएगा अपना। ठीक है, अगर ऐसा मान लिया जाए कि अपने पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, तो उनसे करंट निकालने का तरीका क्या होगा? व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो इसमें कुछ ऐसा होगा जैसे कि अगर मान लिया जाए ये रेजिस्टेंस है R1, है ना, और जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ये है R2। ठीक, अब यहाँ से करंट I मान लिया, यहाँ से करंट I1 और यहाँ से करंट I2, तो हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमें पता है कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आता है, तो ये कहा जा सकता है कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। साथ में ये भी पता है कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दोनों को सोल्व करेंगे तो हम लोग I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई सोल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, वी विल गेट I1 इज इक्वल टू आई आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये I1 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से I2 जो आएगा ये हो जाएगा आई आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये आ गया। अब देखेंगे कि अगर इनका रेशियो निकाला जाए I1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 हो गया, यानी कि I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, है ना। यहां पर ये पता चल गया कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम जाएगा। अगर कभी ऐसा दे दिया गया हो, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सपोज ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहां से जो है 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर मुझे पता करना हो ये I1 कितना होगा और ये I2 कितना होगा, तो जैसा कि देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहां पर डबल है, यानी करंट इसमें आधा जाएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस बराबर हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं, यहां पर I1 की वैल्यू तो कितना आएगा, I की वैल्यू 10 है, 10 R2 2 लेंगे तो ये होगा 20 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस 20 बाई 6, तो 20 बाई 6 का मतलब हो गया ये 10 बाई 3, ये हो गया। अच्छा, यहां से निकालना हो I2 की वैल्यू तो I2 की वैल्यू में क्या लिखेंगे, I जो कि 10 है इंटू R1, R1 है 4 यानी कि 40 हो गया, तो ऊपर हो गया 40 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यानी कि 6, तो 40 बाई 6 यानी कि 20 बाई 3 ये करंट आया। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जहां पर डबल था वहां करंट आधा है, इसका जस्ट आधा करंट ये है, है ना। तो इस तरह से करंट निकाल सकते हैं कभी भी दो रेजिस्टेंस आएंगे तो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है R, है ना, और यहां से एक कंडक्टिंग वायर दे दिया गया, अब यहां से करंट गया I, ठीक, तो यहां से I करंट गया तो देखेंगे कि इधर से करंट हो जाएगा जीरो। इधर से करंट क्यों जीरो हो जाएगा, कि जब हम यहां से करंट निकालेंगे, जैसे मान लिया मैं I1 है, I1 में क्या करेंगे, I ये वाला टोटल इंटू R2, यहां का करंट, यहां का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, तो I इंटू जीरो रेजिस्टेंस करते ही I1 जीरो हो जाएगा, यानी यहां का करंट जो है वो जीरो हो गया।
यहां जीरो होने का मतलब कि सारा करंट जो है वो इधर से जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से ये पता चला। तो कभी ध्यान रखना है कि कभी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो, एक कंडक्टिंग वायर हो, तो करंट जो है वो ऐसा रास्ता खोजता है जिसमें कि रेजिस्टेंस हो ही नहीं, है ना। रेजिस्टेंस होगा और बिल्कुल उसको बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिलेगा, तो बिना रेजिस्टेंस वाले रास्ते से होकर के करंट जाएगा सारा का सारा। और अगर दोनों पर रेजिस्टेंस है तो कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते से कम करंट जाएगा, ऐसा होता है, ठीक।